मुझे साफ नजर आ रहा है इन सबसे अपने सामने काम करवाना होगा। बाबा आप कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं उन लोगों पर, जितना उनसे हो सकता है वो उतना तो कर रहे हैं। रेयान कहाँ है खिजर? रेयान वो तो घर में ही होगी अपने कमरे में। पूरा यकीन है क्या तुम्हें? जी मलाइका, रेयान अपने कमरे में है ना? हाँ जी खिजर साहब, वो अपने कमरे में है। तो रेयान कमरे में है। रेयान, रेयान अगर इस वक्त अपने कमरे में है तो कैफे में कौन बैठा है? रेयान कैफे में मतलब? नहीं बाबा, रेयान वो बताए बगैर कहीं नहीं जाएगी। मीरान काफी नहीं था क्या? अब असलान के साथ बैठी है वहाँ। असलान के साथ? हाँ असलान, और वहाँ पर झगड़ा हो गया है। तुम सब लोग ऐसी हरकतें करके मुझे एक दिन मार डालोगे। रेयान इस वक्त घर पे नहीं है, बाहर है, और ये बात किसी को नहीं पता। आने दो उसे, आज बताता हूँ मैं। आओ रेयान, कैसी हो तुम? सच बताना, मीरान से मिलके आ रही हूँ। बिल्कुल सच, गई थी। लेकिन किस लिए? कुछ बात करनी थी उससे तो चली गई मैं। मैंने उसे ये बताना था कि मैं जा रही हूँ और वो मेरा पीछा ना करे। आप भी तो यही चाहते थे ना बाबा? जैसा आप चाहते थे मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने सोचा कि उसे सब कुछ बता देती हूँ। हम जब मिले तो असलान वहीं था। एक गलतफहमी हो गई थी लेकिन खत्म हो गई है। खत्म हो गया वाकई में? रेयान क्या तुम जानती भी हो ये सब क्या कह रही हो? हम यहाँ सोच रहे हैं कि तुम अपने कमरे में हो और तुम वहाँ मीरान से मिलने के साथ साथ असलान से भी मिल रही हो। आखिर तुम करना क्या चाह रही हो रेयान? कैसे कैसे मिलने गई उससे? फोन तो है नहीं। मलाइका, फोन लाओ यहाँ। सुना नहीं? हेलो रेयान। हेलो, शायद रख दिया बाबा। रेयान जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम अपनी अम्मी के पास जा रही हो। बाबा बिल्कुल खामोश। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे उठाकर आप ले जाएंगे, आपकी बेटी हूँ। मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? तुम्हारी बेटी हमें शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जो काम अजीजा को करना चाहिए था वो खुद करती फिर रही है। सही कहा तुमने, वक्त जाया किए बगैर इसे इसकी माँ के पास छोड़ा, इससे पहले कोई और कारनामा करे।